हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो गए, अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग 4 बजे से उठे हैं। तो आप लोग को मैं बताती हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने। समर वेकेशन पे चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, क्योंकि इतनी गर्मी में और कहाँ जा सकते, चलते कोई बढ़िया सी ठंडी जगह। तो हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोगों ने परसों ही टिकट करा लिया था, वो भी मनाली के लिए, कुल्लू मनाली। इतनी वहाँ ठंड है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस गर्मियों में तो हम लोग वहीं पास अच्छा लगे, तो हम लोग वहीं पास घूम के आते हैं। तो अभी सभी लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग की ट्रेन दोस्तों 9:30 बजे की है, तो हम लोग जल्दी से उठ के तैयार हो गए और खाना पीना भी बना लिए और कुछ पैकिंग तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो 2-3 दिन पहले ही हम लोग कर लिए थे, और कुछ बाकी थी वो भी हम लोग कर लिए थे। और आप लोग को चलिए दिखाते हैं कि सब लोग कहाँ हैं, वो देखिए। अभी मैं हूँ बाहर, क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग का सामान आप लोग देख लेंगे तो कहेंगे, ये देखिए हम लोग कितना सारा सामान हम लोग लेके पूरा बैग वैग तैयार हो गए हैं। और अभी बस हम लोग सैंडल वगैरह पहन रहे हैं। तो अभी हम लोग अपने गाड़ी से तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कौन आएगा छोड़ने के लिए। तो हम लोग गाड़ी बुक किए हुए हैं, तो हम लोग उसी से जाएंगे और स्टेशन तक। हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं दोस्तों मनाली घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग आज तक कभी नहीं गए मनाली घूमने के लिए। हम लोग ने सोचा है कि हम लोग लेह लद्दाख भी जाएंगे, सोलांग वैली भी जाएंगे और रोहतांग पास भी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्नो फॉल हो रही है और इतनी गर्मियों के मौसम में तो और मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग करीबन 1 हफ्ते का हम लोग ट्रिप हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो अब हम लोग 1 हफ्ते तक घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि हम लोग की जर्नी कैसी रही, हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, और आप लोग को भी दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। वैसे तो मैं हम लोग सब लोग पहली बार ही वहाँ पास हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। करीबन 19 घंटे का उसका सफ़र है, तो हम लोग को आई थिंक हम लोग कल तक पहुँच जाएंगे चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ से सीधा ट्रेन चंडीगढ़ के लिए मिलती है। आप लोग को मैं बताती भी जाऊँगी कि आप लोग प्रयागराज से मनाली कैसे जा सकते हैं, और वो मैं आप लोग को बताऊँगी। दोस्तों, हम लोगों ने 3rd AC बुक किया हुआ है ट्रेन का। चल रहे हैं दोस्तों निकलने, वरना हम लोग को लेट हो जाएगा। दोस्तों, सभी लोग तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। ये देखिए हमारा, ये हमारा दूसरा बैग, तीसरा और एक और। दीदी हैं, मम्मी हैं, भैया, और ये भैया के दोस्त हैं। तो अभी हम लोग हैं घर के बाहर, तो देख सकते हैं ये है मेरा घर से व्यू, ये मेरा घर से व्यू है। आप लोग, मेरा घर पूरा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, ये है मेरा बाहर से घर। सब दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा रहता है, हमेशा झांकता रहता है ऐसे खिड़कियों से। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। सभी लोग सामान पहले रख रहे हैं। ये है हमारी रोड, उधर है, पहुँच चुके हैं दोस्तों, जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बड़ी स्टेशन पे। अभी हम लोग की ट्रेन थोड़ी देर में है। ये है नेहा दीदी, उधर है मम्मी, आप देखिए दोस्तों जा रहे हैं। ये है पूरा हमारा बड़ी स्टेशन, ये देख। हेलो दोस्तों, हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। हम लोग रूम बुक किए हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होकर हम लोग जाएंगे मनाली के लिए। यहाँ से हम लोगों ने टैक्सी बुक कर ली है। तो अभी हम लोग सभी लोग यहाँ पास नहा धो के हम लोग फ्रेश हो गए हैं। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं मनाली के लिए। तो हम लोग रास्ते में हम लोग टहलेंगे भी थोड़ा सा, मतलब अच्छी अच्छी जगह, कुल्लू मनाली भी जाएंगे और कुछ कुछ जगह है ना, तो वहाँ पास घूमेंगे और उसके बाद हम लोग मनाली रात को पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हम लोग घूमेंगे। हम लोग करीबन 3:30 बजे
3:30 बजे हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए थे। ट्रेन में बहुत ही ज्यादा मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करी क्योंकि वहां पास इतनी भयंकर चोरी हो रही थी कि सामने से एक का फोन चोरी कर लिया गया, तो हम स्टेशन पर बनाए ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक तो आप लोग जानते हैं आईफोन है, नॉर्मल फोन तो छोड़ ही नहीं रहे, आईफोन तो और ही नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पास बनाया ही नहीं। तो मैं हम लोग सीधा आ गए थे स्टेशन और हम लोग अपने रूम बुक कर लिया था और हम लोग सभी लोग एक ही में, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि हम लोग को तुरंत निकलना था तो हम लोग इसी लिए कर लिए थे। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं गाड़ी में, गाड़ी के निकलने के लिए अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं सभी लोग। अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं, ये है ढाबा, अभी हम लोग का खाना ऑर्डर हो रहा है। आप लोग को हम किसी पूरी फैमिली बैठी हुई है, दीदी की हालत ख़राब है पूरी की पूरी, अभी हम तो हमारा खाना आ गया है। अभी हम लोग मनाली के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उतरे हैं, देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़, बाप रे बाप, आप लोगों ने तो देखा ही होगा इतने बड़े बड़े, ऊपर से इस पे घर इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, इतने प्यारा यहाँ का नज़ारा है कि मैं बता ही नहीं सकती।